गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक G4 यानी जेनरिक वर्कशीट है आपकी नंबर 4। ठीक है, 7th और 8th दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट अपनी विज्ञान की कॉपी में करनी है। एंड ये वर्कशीट आपके लिए 8th जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट में हम COVID-19 जो पेंडेमिक है बेटा, जो महामारी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे इस महामारी से भली भांति परिचित हैं, और भी इसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप बच्चों को आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं, आज कुछ जानकारी की पुनरावृत्ति करते हैं। वैश्विक महामारी घोषित हो चुकी है, COVID-19। अब COVID-19 इसका नाम क्यों पड़ा, ये भी पढ़ेंगे। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, एक ऐसा संक्रामक रोग जो बहुत तेजी से विश्व में बड़ी आबादी को संक्रमित कर प्रभावित करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो उसको महामारी घोषित किया जाता है, जो बहुत ही तेजी से बढ़ता है और विश्व में बड़ी आबादी जब उससे संक्रमित हो जाती है तो उसको महामारी घोषित किया जाता है। COVID-19 एक वैश्विक महामारी है, यह कोरोना विषाणु से होने वाला रोग है। इसका पता पहली बार 2019 में लगा था, इसलिए इसे COVID-19 के नाम से जाना जाता है। तो पता इसका 2019 में लगा था, जिसके कारण इसका नाम ही COVID-19 दे दिया गया। आज हमारे पास इस रोग से बचाव के लिए टीका उपलब्ध है, जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पूतनिक आदि। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से परिचित हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन से, स्पूतनिक से। आपके घर में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा हैं, या जिनकी एज 18 से ऊपर है, उनको भी ये वैक्सीन जो है ज़रूर लगी होगी। नहीं लगी है तो बेटा ये वैक्सीन जो है बहुत ज़रूरी है, तभी हम कोरोना महामारी से बच सकते हैं। अपने बड़ों जैसे माता पिता और बड़े भाई बहन आदि को जल्द से जल्द कोविड का टीका लगवाने के लिए कहें। अपने आप को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए कोविड उचित व्यवहार का अनुपालन और आदत डालें। अब देखिए यहाँ पे ये ग्रिड दिया गया है, आपको क्या करना है, इस ग्रिड में जो आपको यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, छांटने हैं। ठीक है, जैसे देखिए कोविड का एग्जाम्पल दिया गया है, उसके बाद है पेंडेमिक। तो पेंडेमिक जो है यहाँ से आप, जैसे ये जो है ये क्या है, ये मिल गया हमें पेंडेमिक। तो इस तरह से आप पहले खुद प्रयास कीजिए इनको ढूंढने की, खुद से एफर्ट कीजिए, तब आपको ये मिलेंगे। उसके बाद देखिए जैसे नेक्स्ट है कोविशील्ड। कोविशील्ड अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोविशील्ड है। ठीक है, इस तरह से आपको इनको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कोवैक्सीन, तो ये हो गया कोवैक्सीन बच्चों। ठीक, उसके बाद है स्पूतनिक, तो ये हो गया स्पूतनिक। तो आपको इस तरह से सारे ये फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सो बच्चों यहाँ से आप इन सबको कर सकते हो। तो देखिए कोवैक्सीन यहाँ तक हम कर चुके थे ना, स्पूतनिक यहाँ पे, स्पूतनिक जो है ये यहाँ से ये स्पूतनिक हो गया। वैक्सीन ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, वैक्सीन हो गया। सैनिटाइजर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सैनिटाइजर हो जाएगा ये वाला। उसके बाद है हेल्थ, तो हेल्थ जो है देखिए ये है पूरा हेल्थ। उसके बाद है डिजीज, तो ये है नंबर 9 डिजीज। और उसके बाद है इन्फेक्शियस, तो ये है नंबर 10 इन्फेक्शियस। नीचे से ऊपर इसको आप पढ़ोगे तब आपको ये मिलेगा। तो अब आप सोचोगे कि इसको कॉपी में कैसे करें, तो बेटा इसको कॉपी में करने की कोई ज़्यादा नीड नहीं है। आपको कोविड से रिलेटेड ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए, कोविड क्या है, पेंडेमिक क्या होती है। ठीक है, कोविशील्ड वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, स्पूतनिक वैक्सीन है, वैक्सीन क्या होती है जो टीकाकरण किया जाता है, सैनिटाइजर जिससे हाथ धोते हो, हेल्थ पता ही है सब बच्चों को, डिजीज बीमारी, इन्फेक्शियस तो इन्फेक्शियस यानी जो बीमारी एक दूसरे से फैलती है उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। ठीक, तो ये सारा आपको ये टर्म्स जो है लर्न होनी चाहिए। आप कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो कोविड का पूरा नाम क्या है, तो बेटा कोविड का पूरा नाम क्या है, हमने ऊपर देखा था कोविड का पूरा नाम क्या है, कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो ये आप लिख लेंगे कोरोना वायरस डिजीज 2019, तो कोविड का पूरा नाम वहां से मैंने अभी बताया वो लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इसे समुदाय में फैलने से कैसे रोका जा सकता है, तो इसे समुदाय में फैलने से कैसे रोका जा सकता है, टीकाकरण के द्वारा।
टीकाकरण के द्वारा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड है, हम अपने आप को कोविड संक्रमण से कैसे बचा सकते हैं। बहुत ही आसान है ये, आपने बहुत बार किया है तो कैसे कैसे बचा सकते हो खुद से लिखने की जरूर कोशिश करना। 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क पहने, हाथ धोते रहें। नंबर 4 क्या लिखोगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ठीक है। नंबर 5 और भी लिख सकते हो कि बिना, अगर बाहर काम नहीं है तो बाहर ना जाएं, यानी बेवजह बाहर ना घूमें। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे आप कोविड संक्रमण से बच सकते हो। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, वर्कशीट आपकी साइंस की वर्कशीट है जो आपको अपनी साइंस की कॉपी में करनी है। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप इट आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।